मैंने ये प्याज के छिलके लिए, छिलके बिल्कुल आपको पतले वाले ही लेना। इसे मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया। लोहे की कढ़ाई में डाल के जब तक हमें भुनना, जब तक इसका कलर जो ब्लैक नहीं हो जाता और हाथ से दबाने पे बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते, इतना हमें इसे भूनना है। जब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, ये देखिए अच्छे से भून चुका है, इसे आप प्लेट में डाल के ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसे छलनी में डाल के अच्छे से आपको छानना है ताकि इसका हमें बिल्कुल बारीक पाउडर मिल जाए। देखिए काफ़ी अच्छा हमारा पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इसे यूज़ किस तरह से करना है वो तरीका बता रही हूँ आपको। मैंने थोड़ा सा ये वैसलीन लिया है, एक कटोरी में आप वैसलीन को डाल दीजिए। इसके अंदर आधे चम्मच से कम थोड़ा सा इसे डाल दीजिए पाउडर को। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जो है वाइट दिख रहे हैं, इसे आप लगा लीजिए। ये हमारे इंस्टेंट डाई का काम करता है। अगर आप शादी पार्टी में जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल कुछ वाइट दिख रहे हैं, तो इससे आप इन्हें कवर कर सकते हैं। परमानेंट डाई नहीं, लेकिन इंस्टेंट डाई का काम करती है। बिल्कुल आसानी, पानी से भी बिल्कुल भी नहीं निकलती है।